प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था बायोसिमिलर का और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, सोलेनोइड और ऑर्डिट पढ़ा था, उससे रिलेटेड नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, टॉपिक है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एपरेटस है। तो पहले तो हम पढ़ेंगे उसके उसमें लगने वाले टॉर्क के बारे में जिस पर वो वर्क करता है। तो पुट द हेडिंग, टॉर्क ऑन अ करंट लूप एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट लूप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इसमें फर्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पुट द हेडिंग, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे पहले। तो एक बेटा हमने ये कंसीडर कर लिया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म में आप लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कोई करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कोई कंडक्टर नहीं है, एक लूप है, या तो कोई कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है या सर्कुलर कॉइल है, नो वे। तो हम बात करते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल की। ये कोई एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और इस तरह करंट फ्लो हो रही है। ठीक है ना, अब सिंपल सी बात है बेटा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो यहां अगर हम बात करें तो फोर आर्म्स हैं, और फोर आर्म्स हैं तो इसमें अलग अलग फोर्सेस लगेंगे। ये तुम्हारे ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, यानी ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है ना, तो ये 3D समझिएगा, ये इस तरह है नहीं बट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं F1 और इसको कंसीडर कर लेते हैं F2, ये हो जाएगा तुम्हारा F3 एंड F4। ठीक है, अगर हम बात करें तो F1 और F2 ये अपोजिट डायरेक्शंस में है। अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब ये है, समझिएगा लोग, सपोज दैट इट इज अ कॉइल, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए इस तरह से, तो एक फोर्स F3 ऊपर की तरफ लग रहा है, F4 ये इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बट अगर हम बात करें F1 एंड F2 के, तो F1 अपवर्ड लग रहा है तो F2 क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, यानी इस तरह से कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है ना, क्योंकि एक डाउनवर्ड लग रहा है एक अपवर्ड, तो कॉइल क्या करेगी, रोटेट होगी। तो पहले लिख लेते हैं क्लोज्ड कॉइल, क्लोज्ड करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन
यहाँ पर वेन लिख लीजिए, वेन अ क्लोज्ड, वेन अ क्लोज्ड कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट विच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। जो क्या करती है, कॉइल को रोटेट करने के लिए प्रयास करती है, रोटेट करने का प्रयास करती है। अगर हम इसकी अलग की बात करें, एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये दिखाएंगे कि जो फोर्स F1 और F2 है वो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, और वो किसी इंस्टेंट क्या कर रहे हैं, एक थीटा एंगल पर रोटेट हो रहे हैं। ठीक है ना, सपोज दैट ये लाइन ऑफ एक्शन है F1 एंड F2 की, ये ठीक है, यहां पर ये तुम्हारा F1 है और ये है F2, और ये एट एनी इंस्टेंट थीटा एंगल क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में फोर्स ऑन कॉइल ड्यू टू एफ वन एंड एफ टू, और एफ वन और एफ टू दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी इक्वल और अपोजिट तो है बट उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू I L into cross B, ये हो जाएगा I V L sin theta। हमने L क्या कंसीडर किया है, लेंथ ऑफ आर्म कंसीडर किया है, तो ये हो गया F1 F2 की वैल्यू। देखोगे सिंस F थ्रू F3 and F4 are equal and opposite and having same line of action। अपवर्ड का वर्क कर रहा है और एक डाउनवर्ड, हमने बताया कि ये सिचुएशन है, एक ऊपर वर्क कर रहा है एक नीचे, मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा। बट अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात करें तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस सिचुएशन में सो दे कैंसल्ड, वो क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक दूसरे से। नाउ नाउ टॉर्क, यहां पर बात करें अगर थीटा की, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां से 90 डिग्री हो जाएगी, यहां हो जाएगा आई बी एल। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाउ टॉर्क ऑन द कॉइल, टॉर्क हम लोगों को पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है बेटा, अगर इसकी हम ब्रेक
टॉर्क बोलते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा F1 और F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा I BL इनटू B साइन थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल साइन थीटा लेंथ इनटू ब्रेथ रख सकते हैं, और एरिया की वैल्यू क्या हो जाती है, लेंथ इनटू ब्रेथ तो हो जाएगा आई बी ए साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे टॉर्क का। ठीक है, अगर हम बात करें थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, मतलब कॉइल इस तरह होगी इस तरीके से, तो इस सिचुएशन में जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टाउ क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी टाउ मैक्स इज इक्वल टू आई बी ए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे बात करें, अगर यहां इफ देर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ If there are n turns in coil, then tau is equal to हो जाएगा n i a b sin theta। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द टॉर्क, यानी टॉर्क के बारे में हमने पढ़ लिया कि अगर कोई लूप है और मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप, तो उस पर टॉर्क लगेगा, उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा है टाउ इज इक्वल टू व्हाट आप लोगों ने पढ़ा है, पीई साइन थीटा, नोट कर लीजिए फटाफट से। अब हम आगे की बात करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, फॉर द हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और जैसा कि इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं तो प्रैक्टिकल में बार बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर, तो आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर क्लास में ही सुना होगा। अमीटर हम लोग यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, और गैल्वेनोमीटर का भी यूज करते हैं हम करंट, यानी स्मॉल करंट या करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तब अब बात आती है कि भाई अगर अमीटर यूज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की रिक्वायरमेंट क्यों आई, तो सिंपल सी बात है बेटा कि जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, और अगर लीस्ट करंट मेजर करना हो तो अमीटर क्या होता है सही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता। जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव डिवाइस है, ठीक है, और इसमें अगर बहुत लीस्ट करंट है, मिली एम्पियर्स में करंट है, माइक्रो एम्पियर्स में करंट है, तब भी इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है, यानी सफिशियंट डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये क्या है, सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब कि बहुत लीस्ट करंट है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो पुट द हेडिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मीटर
और इसकी पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज एंड इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस टू डिटेक्ट और मीज द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट यानी बेटा ये क्या है? सेंसिटिव डिवाइस है. किसको करने के लिए? डिटेक्ट करने के लिए, यानी डायरेक्शन का पता करने के लिए. करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं किससे? गैल्वेनोमीटर से. हमने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया जाता था तो उसमें करंट की डायरेक्शन को बताता था. और इसके अलावा इससे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं करंट को, ठीक है ना. और ये किस पर बेस्ड है? कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या वर्क करता है? टॉर्क वर्क करता है, उसी पर बेस्ड है. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे गैल्वेनोमीटर का. तो सबसे पहले एक कॉइल ले लेंगे. ये कोर है, और इसको कहां पर रखा गया है? बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया जाता है. इसको हैंग किया जाता है एक स्पेशल वायर से जिसका नाम होता है फॉस्फर ब्राउन वायर. नीचे क्या होता है? एक स्प्रिंग होती है, उसको कनेक्ट करके हम कुंजी T1 से कर देते हैं T2 से. इसको कलर कर दीजिएगा आप लोग. इसका क्या नाम है? कोर फॉस्फर ब्राउन स्ट्रिप होती है, और इसका अटैच करते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉर्सन हेड. और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पेज T1 से. जल्दी से बना लीजिए इसको फटाफट से. ये फॉस्फर ब्राउन वायर है, ये फ्रेम है आपका, ये कोर है हमने बताया, और ये तुम्हारा कॉपर कॉइल है. ये तुम्हारे मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ. फटाफट से इसको बना दीजिए आप लोग, फिर हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे.
एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन करते हैं, तुरंत ही क्या होता है, करंट फ्लो करती है और करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या रखा हुआ, उल्टा कॉइल रखी हुई है, कॉइल रखी हुई तो उसमें टॉर्क लगेगा और ये क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। और रोटेट होने की वजह से इसमें क्या होंगे, एटम होगी, ठीक है ना। और उस एटम की वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क वर्क करेगा। तो एक तो टॉर्क तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था और दूसरा एक ऐसा टॉर्क जो उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क वर्क करेगा। और दोनों क्या होंगे, एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी रुक जाएंगे, और उस सिचुएशन में हम रिस्टोरिंग टॉर्क को इक्वल करेंगे किससे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से। तो फर्स्टली नोट कर लीजिए आप लोग इसको, करंट फ्लोस, ये वर्किंग हम पढ़ रहे हैं, इसके हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग वर्किंग। वर्किंग आप थ्योरी कुछ भी लिख सकते हैं, व्हेन करंट फ्लोस इन कॉइल देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप्ड इन कॉइल व्हिच इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। अब जैसे ही क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, घूमना स्टार्ट करेगा, सेम कंडीशन होगी कि यहाँ पर स्प्रिंग में ट्विस्टिंग होगी, एटन होगी। तो सिंपली एज द कॉइल रोटेट्स स्प्रिंग इज ट्विस्टेड, मतलब एटन, ठीक है, ट्विस्टेड एंड अ रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्स इन द कॉइल, डेवलप्स इन द कॉइल and sorry if phi is the angle twisted at any time, then restoring torque tau restoring हो जाएगा C phi in equilibrium position के बारे में लिखेंगे, वेयर सीज एक कांस्टेंट है जिसे हम टोरोसनल कांस्टेंट बोलेंगे, वेयर सीज अ कांस्टेंट
which is known as what torsional constant of wire. अब इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, हमारे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जब इक्विवेलेंट होगा तो दोनों क्या होंगे, इक्वल पुट करेंगे. तो यहां से इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन C5 is equal to हो जाएगा NIAB sin theta. यहां से देखेंगे phi is equal to हो जाएगा, sorry I is equal to हो जाएगा C5 upon NAB sin theta. अगर यहां पर बात करें तो सी एन ए बी, ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो सिंस सी अपॉन एन ए बी इज कांस्टेंट, देन अगर ये चीजें कांस्टेंट हैं तो करंट आई क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी फाई अपॉन साइन थीटा. इस एक्सप्रेशन से ये हमें पता चलता है कि आई जो है वो दो एंगल्स पे डिपेंड करेगा, एक तो फाई जो ट्विस्टिंग है, जो रोटेट हो रहा है उस वाले एंगल पर, और एक है जो करंट फ्लो हो रही है, करंट और इनके मैग्नेटिक फील्ड मतलब थीटा के बीच डिपेंड करेगा. तो इस कंडीशन में आई को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, और अगर आई को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं तो वही बात आती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये आप लोगों ने डायग्राम प्लॉट कर लिया है, हम इसको भी रैज करेंगे, प्लॉट कर लिया होगा. तो यहां पर हम एक इस तरह का मैग्नेट भी यूज कर सकते थे, बट इस तरह ना यूज करके हमने क्या लिया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिया. क्यों लिया, इसलिए लिया जो सर्कल होता है, कॉइल होता है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है विद द कंडक्टर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री होती है और ऑलवेज सेम होती है. तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे. तो ये यहां तक ही नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, सारे बोर्ड एग्जाम्स में मतलब यूपी बोर्ड, सीएससी बोर्ड एज वेल एज आईएससी बोर्ड में, कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब. तो इसी टॉपिक के अंतर्गत ही है और उसमें हेडिंग डाल दीजिएगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ये गैल्वेनोमीटर में ही हम पढ़ रहे हैं, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब हुआ फ्रॉम एक्सप्रेशन आई प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा. फ्रॉम एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट करंट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, सो दैट एज थीटा विल चेंज with
चेंज होगा, इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं टू रिमूव दिस डिफिकल्टी। वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। इन दिस केस थीटा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉइल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर साइन थीटा 1 हो गया तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा सी फाई अपॉन एन ए बी। ये तुम्हारा नया एक्सप्रेशन बना, और इस कंडीशन में एन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई ए बी, एन आई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी फाई के, ठीक है। और यहां आई की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू फाई अपॉन सी अपॉन एन आई ए बी, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे के। तो सी इज इक्वल टू एन आई ए बी इज इक्वल टू के एन ए बी, और जिसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, इज अ कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर। तो सी इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के फाई के इक्विवेलेंट। ये आप लोग नोट कर लीजिए फॉर्मूलाज, जल्दी से। और एक डायग्राम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इधर से आप लोग नोट कर चुके हो तो हम इधर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डायग्राम बना देंगे। फटाफट से डायग्राम, ये नॉर्थ है और ये है साउथ। इसमें क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, यहां पर ये अपवर्ड डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, 90 डिग्री शो कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। और बेस 90 डिग्री, तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डायग्राम है, इसको आप लोग प्लॉट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन गैल्वेनोमीटर, या व्हाट टर्म्स एक्सप्लेन अबाउट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये हो जाएगा तुम्हारा कोर या कॉइल, जल्दी से प्लॉट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इसके बारे में आप अच्छे से टेक्स्ट बुक में पढ़िएगा अबाउट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है फॉर वाइवा पर्पस इन प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।